जब आप पैदा होते हैं तो ज्योतिषी जानकार एक कुंडली बनाते हैं जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब होता है। इस कुंडली में जन्म के समय और तिथि से राशि का पता चलता है और राशि के हिसाब से ही जीवन में कब कब शारीरिक या मानसिक कष्ट होने वाला है यह पता चलता है। कई ज्योतिष कुंडली देखकर मृत्यु की भी भविष्यवाणी कर देते हैं और कभी कभी वो चीज़ें सच भी हो जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर आतंकी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें वायरल हो रही हैं, हालांकि उसकी मौत की खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ज्योतिष गणना क्या कहती है, उसकी कुंडली के अनुसार अभी कैसा योग चल रहा है, जानेंगे देवघर के ज्योतिषाचार्य से। ज्योतिष आचार्य जी, दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो ज्योतिषी क्या कहती है, उनकी कुंडली में क्या है और जो ये मौत की खबरें हैं वो उनके आपके अनुसार यानी ज्योतिषी के अनुसार क्या कह रहा है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। दाऊद इब्राहिम की कुंडली जो हमने अभी बनाया, जो समय प्राप्त हुआ है, उस समय के आधार पर अभी उनकी कुंडली में तुला लग्न में मंगल विराजमान है और चतुर्थेश और पंचमेश शनि दोनों का मालिक होकर के द्वितीय स्थान में बैठे हैं। तो कुंडली के हिसाब से शनि के साथ राहु का योग होना ये तो शारीरिक कष्ट बतला रहा है और द्वितीय स्थान में है तो मारक योग भी बन रहा है। और ऐसे शनि चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के मालिक हैं, द्वितीय स्थान में विराजमान है राहु के साथ। तो राहु और शनि की जुती द्वितीय स्थान में सबसे पहले शारीरिक और आर्थिक कष्ट तो पहुंचाता है। कुंडली हमारा अभी इस प्रकार से माने संकेत दे रहा है कि शारीरिक कष्ट एवं पूर्ण मार्केश का योग बन रहा है। इस स्थिति में निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट तो होगा ही और शारीरिक कष्ट के साथ मंगल लग्न में है शरीर का मालिक जो कि द्वितीय स्थान का मालिक है। तो द्वितीय स्थान खून खराबा इत्यादि का योग इस प्रकार से बन रहा है। कुंडली जो मेरा समय प्राप्त हुआ है उस समय के आधार पर उनके कुंडली में अभी कष्टकारक योग है, इसलिए ये कहना तो मुश्किल है कि लेकिन मृत्यु कारक योग बन रहा है। Thank you.